Hello students, how are you? Welcome back to our channel Socio Genius. Today we will start a new chapter, that is chapter 2, Our Neighborhood. Before starting our lesson, let me know, where do you live? Do you know the places or people who live in the house nearby? The people who live around your house are your neighbors. वी कैन से दैट जो लोग तुम्हारे आस पास रहते हैं, अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, उनको बोलते हैं तुम्हारा नेबर्स. द एरिया अराउंड योर हाउस इज योर नेबरहुड और लोकेलिटी. और तुम्हारा एरिया जो है, जहाँ पे तुम लोग रहते हो और तुम्हारे चारों तरफ जितने सारे पड़ोसी नेबर्स रहते हैं, उन सबको मिला के बनता है तुम्हारा नेबरहुड, और जिसको हम लोग बोलते हैं लोकेलिटी. Places we need. Almost all neighborhood in a town or city have a market or at least a few shops. हमारे neighborhood में, अड़ोस पड़ोस में कुछ market place रहता है. Some neighborhoods have a school, a police station, a post office and a bank. कुछ कुछ neighborhood में हम लोग देखेंगे स्कूल रहता है, जैसे कि तुम लोगों को पिक्चर में दिखाया जाता है, स्कूल एंड देन बैंक, पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हॉस्पिटल्स, मेनी थिंग्स यू विल सी इन योर नेबरहुड. सो अ पुलिस स्टेशन, अ पोस्ट ऑफिस एंड ए बैंक यू कैन फाइंड इन योर नेबरहुड. डू यू नो व्हाई वी नीड दिस प्लेसेस? ये सब जगह हमें क्यों चाहिए हमारे नेबरहुड में, पता है तुम्हें? नहीं ना? So let's know why these places are important. Because take the example of police. Policemen look after the safety of the people in a locality. हम जिस locality में रहते हैं या फिर neighborhood में रहते हैं, तो उसका safety का देखभाल कौन करेगा? कहीं पे कभी चोर घुस जाता है, कभी कोई गुंडा के मारपीट करते हैं, या फिर कुछ भी problem होता है, तो उसका देखभाल कौन करेगा? Police करेगा. So policemen look after the safety of the people in our locality. That's why we need the help of police. Banks keep our money safe. अगर पास में बैंक है, वो भी हमें जरूरी है, क्योंकि वो बैंक में हम लोग अपना मनी डिपॉजिट करते हैं, ज्वेलर्स लगते हैं, वो सब बैंक में सेफली रखते हैं, ताकि बाकी कोई चोर लुटेरा आके उसको ना ले जाए. So banks keep our money safe as well as jewelry also keeps in a safe position. Post office sells stamps, postcards, envelopes and so on. Similarly, post office भी हमारे पड़ोसी में, अड़ोस पड़ोस में रहता है post office, जहाँ पे हम लोगों को stamps मिलता है, postcard मिलता है, envelope मिलता है, many more things we can get from the post office and so on. They also help us send and get letters, money and parcels. हम लोगों को किसी को money order भेजना पड़ता है, या फिर हमें कुछ पार्सल्स भेजना पड़ता है, या पार्सल्स हमको कुछ आता है, तो वो थ्रू पोस्ट ऑफिस के जरिए में आता है. सो पोस्ट ऑफिस आल्सो एन इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर अस. सम नेबरहुड हैव अ हॉस्पिटल. कभी कभी तुम लोग देखोगे, हम कुछ नेबरहुड में हम हॉस्पिटल रहता है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, अपना चेकअप करने के लिए जाते हैं, हेल्थ चेकअप करने के लिए जाते हैं. एंड सम हैव क्लिनिक्स और हेल्थ सेंटर्स. कुछ कुछ जगह में बड़े बड़े हॉस्पिटल के पास कुछ कुछ लोग रहते हैं, और कुछ कुछ जगह में क्या करें ना, हेल्थ सेंटर्स, छोटे छोटे क्लिनिक होते हैं, जहाँ पे लोग जाके अपना चेकअप करते हैं. क्लिनिक्स एंड हेल्थ सेंटर्स आर मच स्मॉलर देन हॉस्पिटल्स. हॉस्पिटल जो होते हैं वो थोड़ा बड़ा रहता है. क्लिनिक्स और हेल्थ सेंटर्स दे आर स्मॉलर देन द हॉस्पिटल. वो हॉस्पिटल से थोड़ा छोटा रहता है. दे डू नॉट हैव ए प्लेस वेयर वेयर वेरी इल पेशेंट्स कैन स्टे. जो क्लिनिक्स और हेल्थ सेंटर से वो थोड़ा छोटा रहता है, तो वहाँ पे पेशेंट को रहने के लिए इतना कंफर्टेबल नहीं होता है. एंड द प्लेस इज ऑल्सो वेरी लिटिल. डॉक्टर्स एट द प्लेसेस सी पेशेंट्स एंड राइट आउट प्रेस्क्रिप्शंस. वहाँ पे क्या होता है ना, क्लिनिक में डॉक्टर आते हैं, पेशेंट को चेकअप करते हैं, चले जाते हैं, तो वहाँ पे रहने के लिए इतना फैसिलिटी नहीं होता है. दे ऑल्सो प्रेस्क्राइब प्रेस्क्रिप्शन टू द पेशेंट.
and patient can buy the medicines from the local shops. They also vaccinate people. लोगों को वो भी वैक्सीनेट करते हैं. वैक्सीन मतलब किसी को इंजेक्शन देने की जरूरत पड़ता है तो इंजेक्शन देते हैं, किसको मेडिसिन देना पड़ता है तो वो भी वो देखते हैं. सो गेटिंग वैक्सीनेटेड मीन्स गेटिंग एन इंजेक्शन और टेकिंग अ मेडिसिन दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम गेटिंग सम डिजीज. तो कुछ डिजीज से बचने के लिए किसी को इंजेक्शन की जरूरत होता है तो किसी को मेडिसिन की जरूरत होता है, तो ये सब हमारा डॉक्टर देखभाल करते हैं. प्लेसेस वेयर पीपल मीट. कुछ ऐसे जगह है हमारा पड़ोसी में, नेबरहुड में, अड़ोस पड़ोस में, जहाँ पे सब लोग जाके एक साथ मिल सकते हैं. जैसे टेक द एग्जाम्पल ऑफ पार्क. हम लोग जब शाम को हम लोग क्या करते हैं, पार्क जाते हैं. तो पार्क जाते हैं तो तुम्हारा फ्रेंड्स भी वहाँ पे मिलते हैं ना, तुम्हें बहुत सारे फ्रेंड्स तुम्हें मिल जाते हैं. तो वो है एक मीटिंग प्लेस जहाँ मेनी योर फ्रेंड्स, मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स यू कैन फाइंड इन द पार्क. सो मेनी नेबरहुड हैव अ प्लेस फॉर रिक्रिएशन और हैविंग फन. तो कुछ माइंड को रिफ्रेश करने के लिए हमें क्या चाहिए, और सम फन एक्टिविटीज करने के लिए एक जगह चाहिए जहाँ पे सब लोग जाके मिलते हैं. सम हैव अ पार्क वेयर चिल्ड्रेन प्ले एंड एडल्ट वॉक और जॉग. खाली जो मैं बोली अभी जो पार्क के बारे में आप लोगों को, तो वो पार्क में खाली बच्चे जाके खेलते हैं ये नहीं, वहाँ पे एडल्ट भी जाते हैं, बड़े बुजुर्ग भी जाते हैं वॉकिंग के लिए और जॉगिंग के लिए भी जाते हैं ना, वहाँ पे आप लोग देखे होंगे वो सब. ओके. सम हैव अ लाइब्रेरी फ्रॉम वेयर पीपल बोरो बुक्स. कुछ कुछ नेबरहुड में हम लोग देखेंगे कि लाइब्रेरी रहता है जहाँ पे. व्हाट यू मीन बाई लाइब्रेरी? लाइब्रेरी मीन्स फ्रॉम वेयर यू कैन सी मेनी बुक्स एंड यू कैन ऑल्सो बाय बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी टू हैव बेटर knowledge and you can read the books, different types of books. Some have a gym. जिस आजकल तो ज़्यादा फैशन हो गया है सबको जिम जाने का, तो आपके मम्मी पापा भी जाते होंगे जिम हेल्थ अपना ठीक करने के लिए, जिसको बोलते हैं हम जिमनाशियम और जिम वेयर पीपुल एक्सरसाइज themselves टू बिकम फिट एंड फाइन. यू कैन सी द पिक्चर हाउ दिस फैट पीपुल टेकिंग एक्सरसाइज इन द जिम टू बी फिट एंड फाइन इन द पिक्चर, राइट साइड पिक्चर यू कैन सी इट. सो सम हैव अ क्लब वेयर पीपुल मीट. तो कोई कोई भी क्लब जाते हैं एक अपना माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, क्लब भी जाते हैं. वेयर पीपुल मीट, चैट, प्ले गेम एंड हैव फन. सम हैव अ सिनेमा वेयर पीपुल वॉच फिल्म्स. कुछ ऐसे पड़ोस अड़ोस पड़ोस में कुछ ऐसे है जहाँ पे वी कैन फाइंड सिनेमा हॉल वेयर पीपुल वॉच डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्म्स और मूवीज. Some neighborhoods have a community center. What do you mean by a community center? A community community means the people living in a locality, a group of people living in a locality. So, वहाँ पे क्या होता है ना, weddings, functions and parties are held at the community center. उसी community center में वो अपना एक center बनाते हैं जहाँ पे वो लोग क्या करते हैं ना, weddings, शादी जिसका शादी हुआ होता है वहाँ पे करते हैं. Different types of functions and parties are held at the community center. Besides, they also sell different things of their group and melas bhi lagta hai wahan pe. So many neighborhood have this type of community center. Many neighborhood have temples, mosques and gurudwaras and church. Isko chhod ke kuch kuch neighborhood mein hum log dekhenge ki church rehta hai, temple rehta hai, मॉस्क रहता है, गुरुद्वारा रहता है, ये सब प्लेस भी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप वी कैन फाइंड आउट. यू मस्ट हैव सीन दिस थिंग्स आई थिंक. सो नेक्स्ट इज आवर टेकिंग केयर ऑफ आवर नेबरहुड. कैसे हम अपना अड़ोस पड़ोस को साफ सुथरा या फिर उसका देखभाल कैसे करना चाहिए. सो देर आर मेनी थिंग्स वी कैन डू टू मेक आवर नेबरहुड अ बेटर प्लेस टू लिव इन. उसको अगर अच्छा रखेंगे, नेबरहुड को अगर अच्छा रखेंगे, क्लीन रखेंगे या फिर उसका केयर लेंगे, देन इट विल बी अ हेल्दी प्लेस फॉर लिविंग. सो लेट्स डिस्कस व्हाट आर द पॉइंट्स. वी मस्ट नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द स्ट्रीट्स और इन द ओपन स्पेस. अपना जो गार्बेज होता है, जो कचरा होता है, वो अपना खुले जगह में, ओपन स्पेस में उसको फेंकना नहीं चाहिए. दिस कीप्स द नेबरहुड क्लीन. अगर हम लोग उसको नहीं फेंक के एक जगह रखेंगे तो ये हमारा नेबरहुड को
क्लीन रखेगा। इट ऑल्सो कीप्स अवे जर्म्स, फ्लाइज एंड कॉकरोच एंड द डिजीजेस दैट स्प्रेड। तो इससे हम लोगों को क्या होगा ना, जर्म्स जो होते हैं वो नहीं होगा, मच्छर, मस्कीटोज, ये सब जो मच्छर और फ्लाइज जो होते हैं उससे भी हम लोग को कॉकरोच वो भी ज़्यादा स्प्रेड नहीं होंगे। अगर वो स्प्रेड नहीं होंगे तो डिजीज भी कम होगा। सो एवरी लोकेलिटी इन टाउन्स एंड सिटीज हैज ए गार्बेज डंप। तो इसको नज़र में रखते हुए हम लोग लोकेलिटी में एक एक गार्बेज डंप जिसको बोलते हैं या फिर डस्टबिन जो बोलते हैं हम लोग, वो रखा जाता है, रखना भी चाहिए, ताकि वी कैन थ्रो आवर गार्बेज ऑन दिस गार्बेज डंप और डस्टबिन। सो वी शुड थ्रो गार्बेज इन दिस डंप्स टू कीप आवर नेबरहुड क्लीन। वी शुड कीप द ड्रेन्स क्लीन। जो हमारा आसपास में देखेंगे हम लोग अड़ोस पड़ोस में कुछ कुछ ड्रेन्स होता है जहाँ पे पानी जाता है, नाली जिसको बोलते हैं हम लोग, तो दैट शुड बी क्लियर और क्लीन। वी शुड नेवर थ्रो गार्बेज एंड पॉलीथीन बैग्स इन टू द ड्रेन्स। कोई कोई क्या करता है ना, अपना कचरा लेके, गार्बेज लेके और पॉलीथीन बैग्स लेके ड्रेन में फेंक देता है, तो वो क्या करता है ना, क्लॉग्स द ड्रेन, ड्रेन को चोक कर देता है, जाम कर देता है। सो दिस शुड नॉट बी डन। डर्टी वाटर देन स्पिल्स ऑन टू द स्ट्रीट। अगर ड्रेन चोक हो जाएगा, ड्रेन जाम हो जाएगा, तो क्या होगा ना, उसमें जो पानी जाता है, डर्टी वाटर जाता है, तो वो रास्ते पे चला आएगा, तो इट विल क्रिएट ए वेरी बिग प्रॉब्लम एंड इट विल ऑल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ बिकॉज इट विल स्प्रेड डिजीजेस। जर्म्स विल ग्रो फ्रॉम दिस टाइप ऑफ वाटर, डर्टी वाटर। तो मॉस्किटोज विल ऑल्सो ले एग्स इन द स्टैंडिंग वाटर। और क्या होगा ना, वो अगर एक जगह में पानी ब्लॉक होके रहेगा, स्टैंडिंग वाटर अगर पानी ब्लॉक हो जाता है, स्टैग्नेंट वाटर और स्टैंडिंग वाटर रहेगा, देन मॉस्किटोज विल ले एग्स। मच्छर क्या करेंगे, वहाँ पे अपना एग्स देना स्टार्ट कर देंगे, अंडा देना स्टार्ट कर देंगे। क्लियरिंग द ड्रेन्स एंड यूजिंग एंटी मॉस्किटो स्प्रे हेल्प टू ब्रिंग डाउन द नंबर ऑफ मॉस्किटोज। तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो हमारा क्या ड्यूटी है ना, वहाँ पे स्प्रे, रेगुलरली स्प्रे करना है, सो दैट इट विल ब्रिंग डाउन द नंबर ऑफ मॉस्किटोज। तो वो क्या करेगा ना, मॉस्किटोज को क्वांटिटी कम कर देगा, मॉस्किटो और बढ़ने नहीं देगा। सो दिस इज हाउ वी कैन कीप आवर नेबरहुड क्लीन। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर आवर नेबरहुड। सो इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट डिफरेंट प्लेसेस इन आवर नेबरहुड and places, different places of recreation where people meet to have fun and also to do many activities, and the last one is how can we take care of our neighborhood. So to rewind this, we can summarize the lesson again, that the area around your house is your neighborhood. Most neighborhoods have a market, some have a school, a hospital, a police station, or a post office, and also bank, etc. Parks, libraries, gym, club, cinema, and community centers are some places people visit for recreation. We can make our neighborhood a better place to live in by keeping it clean and helping each other. Now, let's know the meaning of some new words. First one is your prescription. It means note by a doctor that says that type of medicines you need. Second one is your recreation. It means things that you do to enjoy yourself. Third one, community, which means people living in a locality. The last one is standing water, which means water that does not flow, like water in ponds and cloth. So all these are your word meanings. That before learning the word meanings, you should learn the difficult words, that means the spellings of these new words. So if you like this video, then subscribe to our channel. Link to the exercise question answers and the chapter is given in the description below. Thank you all.